जानलेवा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया समेत भारत में भी कोहरा मचा रखा है। दुनिया भर में इसी बीमारी से हजारों मौतें हुई हैं। भारत में भी इस वायरस ने 114 लोगों को लील लिया है। देश में अब तक 4,424 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 326 लोग इस जानलेवा वायरस को मात देकर अपने घर भी जा चुके हैं। इस वायरस से निपटने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 868 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में 24 घंटे में 8 लोगों की जाने जा चुकी हैं। गुजरात में कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 165 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले 324 हो गए हैं, तो वहीं भोपाल में कुल 74 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 304 हो गई है, जिसमें 6 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में अब तक 1,445 कोरोना संक्रमित मरीज तबलीगी जमात के हैं।